So today we'll be reading about the process of blood circulation. ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेशन का प्रोसेस पूरा हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग कहाँ से, तो लंग से। तो सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज स्टेप, दो स्टेप में पढ़ेंगे, दैट इज स्टेप वन। स्टेप वन क्या होगा? तो सबसे पहला जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ से आएगा? तो लंग्स से आएगा। फ्रॉम लंग्स कहाँ जाता है? टू हार्ट। ठीक है, हार्ट में जाता है। एंड हार्ट में भी किस चेंबर में जाएगा? तो हार्ट में भी जाता है, दैट इज लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक है, क्योंकि आप जब देखोगे ये ब्लड हार्ट का, हार्ट का जब पूरा स्ट्रक्चर देखोगे तो हार्ट का स्ट्रक्चर कैसे था? फोर पार्ट। ठीक है, दैट इज ये हो गया आपका आर ए राइट ऑरिकल, ये एल ए, ये राइट वेंट्रिकल और ये एल वी। तो यहाँ पर हो गया बॉडी पार्ट्स और ये हो गया ऊपर में लंग्स। तो ये बॉडी पार्ट से राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से यहाँ, लेफ्ट ऑरिकल से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से फिर यहाँ। तो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है लंग्स से वो कहाँ जाता है? लेफ्ट ऑरिकल में। कहाँ? तो हार्ट के अंदर जाता है। ठीक है, वो हार्ट के अंदर लंग्स लेफ्ट ऑरिकल में विद द हेल्प ऑफ, और यहाँ पर ये भी लिख दीजिएगा विद द हेल्प ऑफ किससे? तो विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन्स की मदद से जो भी ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो लंग्स से हार्ट के ठीक है, लंग से हार्ट के अंदर गया। अब उसके बाद फिर क्या होगा? सेकेंड प्रोसेस इसमें फर्दर क्या होगा? तो यहाँ पर जैसे ही हार्ट जो लेफ्ट ऑरिकल है वो ब्लड को रिसीव करेगा ना, उस समय लेफ्ट ऑरिकल क्या हो जाएगा? लेफ्ट ऑरिकल रिलैक्स करेगा। लेफ्ट ऑरिकल रिलैक्स किया, ब्लड रिसीव कर लिया। अब यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल जो होगा ये एक्सपैंड करेगा, सॉरी लेफ्ट ऑरिकल रिलैक्स किया तो ब्लड को रिलीज, ये रिसीव किया। अब लेफ्ट ऑरिकल फिर से क्या होगा? ये एक्सपैंड करेगा या कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं इसको, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट किया। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ही लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होगा? ये अब रिलैक्स करेगा। ये जैसे ही रिलैक्स किया लेफ्ट वेंट्रिकल तो ये ब्लड को पुश करेगा। ठीक है, ये रिलैक्स कर कर क्या होगा? इट विल पुशिंग द ब्लड, पुशिंग ब्लड फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल। बताए थे प्रीवियस क्लास में कि जो भी पार्ट, जो भी चेम्बर रिलैक्स करेगा वो ब्लड को रिसीव करेगा, और जो भी पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो ब्लड को फर्दर मूव करेगा। तो पहले तो ये रिलैक्स किया तो ब्लड रिसीव हो गया, रिलैक्स होने के बाद जब ये जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड जो है वो कहाँ गया? तो लेफ्ट ऑरिकल से वाल्व्स के थ्रू वो चला गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ पर रिलैक्स कर रहा है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स किया, ब्लड आ गया। अब फिर से लेफ्ट वेंट्रिकल अब फिर से अब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल अब फिर से कॉन्ट्रैक्ट किया। तो थर्ड क्वेश्चन इस स्टेप में देखेंगे तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो था ये अब कॉन्ट्रैक्ट किया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या हुआ? तो ब्लड जो है, ब्लड पुश्ड टू ऑटा। ठीक है, ब्लड जो है वो कहाँ पहुंच गया? ऑटा में पहुंच गया। अब ऑटा में लाइक प्रीवियस इसमें आप देखे थे कि यहाँ पर ये जो है ऑटा के थ्रू से, ऑटा मतलब क्या? ये ऑटा मेनली किसी को हम लोग क्या बोलते थे? तो आर्टरीज बोलते थे। ठीक है, तो ये जो ऑटा है इसके हेल्प से ब्लड कहाँ जाएगा? तो पूरे बॉडी में जाएगा। सो लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया जिसके कारण क्या हो गया? ब्लड पुशेस टू लेफ्ट ऑटा और लेफ्ट ऑटा से पंप्ड टू बॉडी टू सप्लाई ऑक्सीजन, टू सप्लाई ब्लड रिच इन ठीक है ऑक्सीजन। ये यहाँ पहुंच गया।
अब उसके बाद आता है हमारा सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में बस इतना ही था कि ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है वो लंग से कहाँ आता है, हार्ट में आता है, किस कौन रिसीव करता है, तो लेफ्ट ऑरिकल रिसीव करता है, किस के मदद से आता है, तो कौन सा उसमें कैपिलरीज होता है, तो दैट इज पल्मोनरी वेन, उसको ये फॉरवर्ड मूव करता है। अब जब वो रिसीव कर रहा है तो लेफ्ट ऑरिकल रिलैक्स किया, उसके बाद जैसे ही लेफ्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड जो है वो फॉरवर्ड मूव हुआ कहाँ, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में, और उस टाइम लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा था। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये अब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड जो है वो ऑटा के हेल्प से, ठीक है, वो कहाँ मूव किया, तो पूरे बॉडी पार्ट्स में मूव किया, बॉडी पार्ट में गया, क्यों गया, तो वो बॉडी पार्ट में हमारे सेल को ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुंचाने के लिए चला गया। अब आता है हमारे पास स्टेप टू। स्टेप टू में क्या होता है, अब बॉडी पार्ट में घुमा, तो बॉडी पार्ट में जैसे ही घूमेगा तो हमारा जो हेमोग्लोबिन है या आरबीसी है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को वहां पर दे देगा और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ लेकर आएगा। तो अब मेरा ब्लड कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, जिसका मतलब वो कार्बन कंटेन उसमें ज्यादा हो जाएगा, और वो कलर कैसा हो जाएगा, तो ब्लू कलर का हो जाएगा। तो ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो किस कलर का हो जाएगा, ब्लू ब्लड, ठीक है, इसको हम लोग ब्लू ब्लड बोल सकते हैं, ब्लू ब्लड रिटर्न टू हार्ट, रिटर्न्स रिटर्न्स टू हार्ट often circulating through body, often circulating through body, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस रीजन में जब बॉडी पार्ट में घुमा तो ये कहाँ से आया, फिर से हार्ट में आ गया, बॉडी पार्ट में पूरा घुमा और घूमने के बाद ये फिर से ब्लड हार्ट में आया, जो कौन रिसीव करेगा, तो राइट ऑरिकल अब रिसीव करेगा। तो ये पूरा घूमा बॉडी पार्ट में, बॉडी पार्ट से वो पूरा घूमकर आ गया हार्ट में, हार्ट में कौन यहाँ पर रिसीव करेगा, तो यहाँ पर राइट ऑरिकल जो रिलैक्स कर रहा था, राइट ऑरिकल ये अब फिर से रिलैक्स कर ये ब्लड को कलेक्ट करेगा। राइट ऑरिकल कलेक्ट्स द ब्लड, कलेक्ट्स ब्लड बाई रिलैक्सिंग। अब वेल्व के मदद से राइट ऑरिकल से अब कहाँ ब्लड जाएगा, तो राइट वेंट्रिकल में जाएगा। तो जब राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जा रहा है तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑरिकल है, राइट ऑरिकल वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसके चलते ब्लड कहाँ मूव करेगा, तो ब्लड राइट वेंट्रिकल में मूव करेगा। राइट वेंट्रिकल यहाँ पर क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल ब्लड को कलेक्ट करेगा, राइट वेंट्रिकल कलेक्ट्स ब्लड एंड पंप्स टू लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पर आप एक और लिख सकते हो लाइक, यहाँ पर आप देखोगे तो ब्लड बॉडी पार्ट से राइट ऑरिकल में कैसे एंटर किया, तो विद द हेल्प ऑफ, वहां पर लिख सकते हो दैट इज वेना कावा, ठीक है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर है, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी रिटर्न्स टू द हार्ट ऑफन सर्कुलेटिंग थ्रू बॉडी विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पर लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ वेना कावा या सुपर वेना कावा, ठीक है। उसके बाद फिर राइट ऑरिकल करेक्ट कर रहा है, ये सब फिर अकरेंस होता है। अब उसके बाद फिर क्या हो रहा है, अब जिसके चलते हो क्या रहा है, तो आर्टरीज में ब्लड गया। अब आर्टरीज से फिर से ब्लड कहाँ जाएगा, तो लंग्स रिफ्रेश ब्लड विथ न्यू सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन
मेकिंग इट टर्न रेड, ठीक है। अब यहाँ पर ब्लड कैसा हो गया, तो रेड कलर का हो गया। तो अब इसी में ये पूरा घूमते रहता है। तो ये आपका हो गया पूरा एक सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग, ठीक है। तो ह्यूमन बींग का जब भी सर्कुलेटरी सिस्टम लिखना है, हार्ट का फिगर बना दीजिए पूरा, यहाँ पर स्टेप वन स्टेप टू में लिख दीजिए कि ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो लंग से जाता हार्ट में विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेंस वेयर लेफ्ट ऑरिकल रिलैक्सेस। नाउ द हार्ट व्हेन द लेफ्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट्स द ब्लड मूव फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू वाल्व्स। फिर उसके बाद वेयर द लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स एंड पुशिंग द ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर ब्लड फॉरवर्ड पुश होता है ऑटा में, ऑटा के हेल्प से फिर ब्लड जो है वो पम्प्ड होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई रिच ब्लड होता है जो पूरे बॉडी पार्ट में रिवॉल्व करता है घूमने के बाद, वो फिर फर्दर स्टेप टू होता है। तो स्टेप टू के बारे में आगे लिख दीजिएगा। तो ये तीन जो था लेफ्ट स्टेप वन एंड स्टेप टू जो है ये आपका पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग को डिफाइन करता है। तो हार्ट सिस्टम ऑफ अदर एनिमल्स, हार्ट सिस्टम ऑफ अदर एनिमल्स या इन अदर एनिमल्स। तो अदर एनिमल्स में पहले अगर ह्यूमंस का देखे तो ह्यूमंस का हार्ट कैसा है, फोर चेम्बर्ड हार्ट, उसके बाद क्लोज सर्कुलेशन होता है, बॉडी के अंदर हो रहा है सारा सर्कुलेशन, क्लोज सर्कुलेशन। थर्ड, नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड, यहाँ पे लिख सकते हो नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। थर्ड क्या हो जाएगा, डबल सर्कुलेशन, फोर्थ डबल सर्कुलेशन। ये हो गया आपका चार ह्यूमन हार्ट के बारे में। अगर सेकंड देखेंगे एम्फीबियंस के बारे में, एम्फीबियंस में क्या होता है, एम्फीबियंस में तीन चेम्बर होता है, थ्री चेम्बर्ड हार्ट होता है। यहाँ पे कुछ मिक्सिंग होता है, सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, यहाँ पर कुछ मिक्सिंग होता है और इसमें भी डबल सर्कुलेशन होता है। तो ये सब अभी पढ़ना नहीं है, ये सब 11 12th में पढ़ना, मेनली 12th में पढ़ना है एमबीबीएस ये सब के बारे में। उसके बाद आता है फिशेस का, फिशेस का कैसे होता है। तो फिशेस का देखेंगे तो इनका टू चेम्बर्ड होता है हार्ट, टू चेम्बर्ड हार्ट होता है। उसके बाद ब्लड जो है वो कैसे होता है, तो ब्लड जब येलो का जो गिल्स है ना उसमें येलो का कैपिलरीज होता है, तो उससे सारा ट्रांसफर होता है, क्योंकि येलो का जो ऑक्सीजन का इनटेक और आउटटेक है वो तो गिल्स से हो रहा है, तो इस चलते गिल्स पास ही येलो का सारा सर्कुलेशन और ब्लड ये सब होता है। तो ब्लड पम्प्ड टू गिल्स, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज वंस थ्रू द हार्ट, इसमें डबल सर्कुलेशन नहीं होता है। जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है गोज ओनली वंस थ्रू हार्ट, ठीक है। इस चलते इनका डबल सर्कुलेशन ना होकर इनका सिंगल सर्कुलेशन होता है। अब आते हैं कि सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो सिंगल सर्कुलेशन हमें पता है कि जिसमें ब्लड वेसल ओपन होता है, किसमें, स्पेस में। अभी हम लोग डबल सर्कुलेशन या क्लोज सर्कुलेशन क्या हम लोग पढ़े, कि क्लोज सर्कुलेशन में जो ब्लड है, याद रखिएगा, क्लोज सर्कुलेशन में जो भी ब्लड फ्लो है, ब्लड फ्लोज थ्रू वेसल्स, ठीक है। इसमें ब्लड जो है वो वेसल्स के थ्रू फ्लो होता है, जिसमें आर्टरीज और वेन्स होते हैं, आर्टरीज एंड वेन्स, और ये डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं, ठीक है। कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, तो ये सारा वे इसमें होता है।
ठीक है, लेकिन जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा ये तो क्लोज हो गया, जिसमें ब्लड जो है वेसल से फ्लो कर रहा है आर्टरी से वेन से, लेकिन जो हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा इसमें जो ब्लड वेसल है ये ओपन होता है, ओपन इनटू स्पेस, ठीक है, एंड नॉट कैपिलरीज, इसमें कैपिलरीज ये सब नहीं होता है, ठीक है। ब्लड जो होता है वो डायरेक्टली टिश्यू में आता है कांटेक्ट, और उसी से सारा ये सर्कुलेशन होते रहता है। सिंगल सर्कुलेशन तो पता है कि ब्लड जो है वो सिर्फ एक ही बार हार्ट से साइकिल करेगा, और डबल सर्कुलेशन में जो ब्लड है वो दो बार साइकिल करेगा, ठीक है। एक राइट पंप, जो राइट हार्ट होता है वो पंप करता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, और जो लेफ्ट साइड होता है तो लेफ्ट साइड पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। तो ये जो होता है लंग्स टू या हार्ट से बॉडी पार्ट में, तो ये जो होता है इसी को हम लोग डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। एबर ओपन सर्कुलेशन सिस्टम देख लेते हैं कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है, कि वेसल से कैसे कनेक्टेड होता है। So we will be reading about that the circulatory system in cockroach. तो कॉकरोच में देखिए कैसे सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो मेनली ये जो पार्ट है ना, ये जो साइनस होता है ये होता है, इसमें ब्लड वेसल नहीं होता है, ठीक है। इसी स्पेसेस में ब्लड जो होता है वो फ्लो करते रहता है। अब इसमें देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें क्या क्या होता है, तो ब्लड होता है, हार्ट होता है, साइनसेस होता है, मसल्स होता है, ये सब के बारे में। अब देखिए इसमें ब्लड जो होता है व्हाइट कलर का होता है, कभी आप कॉकरोच को जब मारिएगा तो देखिए उसमें से व्हाइट कलर का एक पिगमेंट निकलता है, तो वो क्या है, वो उसका ब्लड है, ठीक है। तो वो व्हाइट कलर का ब्लड होता है, इस चलते उसका जो ब्लड सर्कुलेशन मीन ब्लड जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है, उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है। अब जिसके चलते होता क्या है, देखिए अब इससे हो क्या रहा है कि जब कॉकरोच के पास व्हाइट कलर का ब्लड है, इसका मतलब उसमें हेमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं है। तो जब हेमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं है तो इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी डिफरेंट होगा, क्योंकि हेमोग्लोबिन ही रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज के लिए। तो ये लोग का रेस्पिरेशन भी डायरेक्टली वो उनका जो सरफेस होता है, टिश्यू होता है, उससे होता है। लेकिन वहां पर ऑक्सीजन सिर्फ नहीं कैरी कर रहा है, लेकिन जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं ये सारा कैरी होता है वो हेमोग्लोबिन से, वो ब्लड से, ठीक है। हेमोग्लोबिन नहीं, ब्लड से, जो ब्लड है वो सारा न्यूट्रिएंट कैरी कर रहा है एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर ऑक्सीजन। और फाइनली फिर वेस्ट मटेरियल भी है ना, उसको भी कलेक्ट करता है, न्यूट्रिएंट को भी पहुंचाता है और जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी ब्लड कैरी करता है। साइनेसिस किसमें होता है, देखिए अब दो इसमें होता है, जो इसका जो कॉकरोच का बॉडी कैविटी देखेंगे तो ये दो तीन पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। और ये जो है ना इसी में हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसमें हार्ट प्रेजेंट है, ये वाले में ऑर्गन्स प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें ये हार्ट हो जाता है, ये ऑर्गन्स है, ठीक है, और इसमें कुछ ऐसे ही एक्सक्रीटरी सिस्टम ये सब प्रेजेंट रहता है। अब ये हार्ट है तो हार्ट ऊपर में प्रेजेंट है, जो सरफेस से कनेक्टेड होता है, ठीक है। और इसका हार्ट पता है कितने चेंबर का होता है, ये ऊपर हो गया कनेक्टेड, और ये 13 चेंबर का हो सकता है। आप देख सकते हो ये जो जितना है ना ये पूरा चेंबर है, ठीक है। तो ब्लड आगे से यहाँ से ये जाता है, ब्लड इधर से फ्लो करता है, पीछे से आगे फ्लो करता है। अब देखिए इसमें फोर्स होता है, ठीक है, ये सब जो दिख रहे हैं ये सब फोर्स है, फोर्स के हेल्प से ही इनका जो भी सर्कुलेशन है ये मूव करता है।
अब देखिए ये जो ऑटा है, जो आर्टरी है वो कनेक्ट किया। अब ये कनेक्ट करने के बाद अब अंदर में बीच में क्या है, तो मसल्स प्रेजेंट है, ये एलरी मसल। यही कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड को आगे जाने में, ठीक है, हार्ट तक ब्लड को फ्लो करने में, यही हेल्प होता है। अब देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे ही अब देखिए अंदर में क्या प्रेजेंट था, तो अंदर में इसके मसल्स प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है, या यहाँ पर इसके मसल्स प्रेजेंट है। तो अब होता क्या है कि ब्लड जो है वो यहाँ से फ्लो करता है ऊपर, और ये जो है यही मूव करता है, जो सेलरी मसल्स है, ये जो एक्सिलरी मसल्स है, ये हेल्प करता है ब्लड को यहाँ से यहाँ फ्लो करने में। तो इनका सरफेस से ही कनेक्टेड होता है, जिसके चलते टिश्यू जो है, ये ब्लड सर्कुलेशन है, इनका सरफेस पर ही अकर होता है। तो ये सब मूव करने दिया, अब देखिए ये ऊपर फ्लो कर रहा है जिसके चलते था। अब ये एलरी मसल ऊपर हार्ट में है, अब देखिए इधर से ब्लड मूव करना स्टार्ट हुआ और ये ऊपर हो रहा है। जब ये एक्सपैंड कर रहा है तो ब्लड ये रिसीव कर रहा है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ब्लड फर्दर मूव कर रहा है, सेम जैसे ह्यूमन बींग में होता है। अब देखिए ब्लड यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट हुआ, अब जिसके चलते जो ब्लड यहाँ फ्लो किया फिर इसके बाद इसमें इधर आ जाता है सारा। अब सिंस ब्लड में हेमोग्लोबिन नहीं है तो इसमें ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, सिर्फ न्यूट्रिएंट और वेस्ट का ये कैरी करता है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। जो कॉकरोच में ब्लड होता है लाइक अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म में भी सेम है, अर्थवॉर्म का जो अपर सरफेस आप देखोगे ये भी इसी के अंदर होता है, ठीक है, इसमें भी ऊपर सरफेस से ही होता है, इसमें देखिए ये ही होता है ब्लड वेसल होता है। आई थिंक इसमें इसमें क्लोज सर्कुलेशन होता है इन दिस अर्थवॉर्म में। कैसे ये क्लोज सर्कुलेशन है, क्योंकि इसमें हार्ट भी होता है, ब्लड वेसल्स भी होता है, और ये बॉडी के अंदर होता है, इस चलते इनका क्लोज सर्कुलेशन होता है इसमें। अब इसमें ब्लड इनका रेड कलर होता है क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो हेमोग्लोबिन प्लाज्मा में डिजॉल्व है जिससे ये दिखता है। इसमें भी ह्यूमन बींग टाइप ही थोड़ा थोड़ा होता है, लाइक जैसे ह्यूमन बींग के अंदर होता है। तो ये इसका ब्लड वेसल है, देखिए ये आपका ब्लड वेसल है, ये एक है और एक ये है, ठीक है, ये एलिमेंट्री कैनाल है, फूड वेसल। और ये सब हार्ट है, जितने ये येलो कलर के दिख रहे हैं ना, ये हार्ट है। इंटेस्टाइन, स्किन और ये जो नेफ्रिडिया था ना, उससे ब्लड को ये कैरी ओवर होता है, एंड फाइनली फिर ये होता है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, एक रुपया खा देना तो।